Very good morning, dear modern stars. How are you all? I hope you all are fine. And आप सभी के unit test अच्छे हुए होंगे. Students, आज हम science में फिर से अपने study को continue करेंगे. हमने chapter 3 bird को पढ़ लिया था. आज हम इसकी book work और book exercise को करेंगे. ठीक है? तो आइए देखते हैं हमारी पहली book exercise क्या है. Open chapter 3 book work. Okay? You will get it here. Choose the correct options. Choose the correct options. आपको मैं ये statement दी होगी और उसमें से जो correct options होगा वो आपको choose करके लिखना होगा. ठीक है? तो पहला है आपका two birds that have long braid printed beaks. कौन सी bird ऐसी होती है जिसके long और broad होती है और साथ में printed beaks भी होती हैं. तो printed beaks किसकी होती हैं? आप सभी को पता है herons और एजेंट्स की होती हैं. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट है आपका अ बर्ड यूजेस इट्स बीक टू. बर्ड अपनी बीक को क्यों यूज करती है? स्विम करने के लिए? नो, दिस इज नॉट ट्रू. क्या है? मूव करने के लिए? नो, मूव्स तो वो विंग से करती है. फ्लाई करने के लेग से करती है. फ्लाई करने के लिए? नो, फ्लाई भी वो विंग से करती है. तो क्या करने के लिए? बिल्ट नेस्ट के लिए. नेस्ट को बनाने के लिए क्या करती है? वो ड्राई ग्रास को और ओरिजिनल ग्रासेस को वो ले करके जाती है ना, उससे अपना नेस्ट बनाती है. मैंने आपको बताया था. तो क्या करती है? बीक से वो नेस्ट बनाने का काम करती है. विच ऑफ दीज इज अ पर्चिंग बर्ड. पर्चिंग बर्ड्स कौन सी होती हैं? डक होती है. ठीक है? नेक्स्ट क्या है? What helps a woodpecker to climb up and down trees? Up and down climb करने के लिए trees को woodpecker क्या help करते? कौन सी चीज़ होती है woodpecker की जो help करती है? जैसे जैसे हमें चलने के लिए हमारे legs help करते हैं, तो वैसे ही woodpeckers के printed two toes होते हैं जो उनको work कराते हैं. ठीक है? क्या है? Option B is correct. Two toes printed forward and टू टोज प्रिंटेड बैकवर्ड. ये जो है वुडपेकर को हेल्प करते हैं क्लाइंब अप एंड क्लाइंब डाउन के लिए. नेक्स्ट क्या है आपका? अ डैश कैन फ्लाई ओनली अ शॉर्ट डिस्टेंस. शॉर्ट डिस्टेंस में कौन फ्लाई कर सकता है? पीकॉक, हेन, क्रो. तो पीकॉक और हेन दोनों ही शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाई करते हैं. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ए एंड बी बोथ. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. आपका टिक द करेक्ट ऑप्शंस. फर्स्ट में सी, सेकंड में सी, थर्ड में सी, फोर्थ में बी और फिफ्थ में डी. ओके, इसके बाद आएंगे हम फिल इन द ब्लैंक्स पे. तो फिल इन द ब्लैंक्स ये रहे आपके. क्या है आपका? फर्स्ट है आपका पैरोट्स. पैरोट्स हैव स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक्स टू डिग आउट सीड फ्रॉम फ्रूट्स एंड क्रैक नट्स. ओके, पैरोट्स की कैसी होती है? कर्व्ड बीक होती है ना. Moving of the wings towards upward and backward can is called upstroke. Upstroke कहते हैं कब? जब upward और downwards को move करती हैं. और moving with the wings to down to downward and forward इसको क्या बोलेंगे? Downstrokes. Okay. Next क्या है आपका? Birds like sparrow and mynas fly at low height. ये जो छोटी बर्ड्स होती हैं ये लो हाइट पे फ्लाई करती हैं. आपको पहले ही बताया जा चुका है. चैप्टर आपने रीड किया है. अगर नहीं किया हो तो आपके यूट्यूब चैनल पे चैप्टर्स पड़े हुए हैं. आप उनका नाम डाल, चैप्टर का नेम डाल करके आप वहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं चैप्टर को. क्रेन इज वेरी, क्रेन हैव वेरी लॉन्ग लेग्स. क्रेन के पास लेग्स कैसे होते हैं? बहुत लॉन्ग होते हैं, जिनकी वजह से वो वाटर में ईजिली वॉक कर सकते हैं ना. नेक्स्ट क्या है? अ स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लॉज ऑफ ईगल एंड हॉक आर क्या होता है? ये टैलोस, टैलोन्स है ना. स्ट्रॉन्ग और इनकी जो वो जो ईगल्स की जो शार्प क्लॉज और हॉल्स होती है उसको क्या बोलते हैं? टैलोन्स बोलते हैं. तो ये रहा आज का आपका वर्क जो आपको अपनी बुक में फिल करना है. कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और इसको आप अपनी बुक में फिल करके पिक्चर्स मुझे सेंड करेंगे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.